पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे क्रीतो ने क्लेन को सेकंड टाउन में अपने साथ चलने को कहा, लेकिन क्लेन ने उसे मना कर दिया था क्योंकि उसके दोस्त अभी भी फर्स्ट टाउन में थे और वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाद क्रीतो अकेले ही सेकंड टाउन के लिए निकल गया था। अब आगे इसके बाद एक महीना बीत जाता है और फिर हमें क्रीतो को दिखाया जाता है। गेम शुरू हुए एक महीना बीत चुका है और इस दौरान 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और एक भी प्लेयर फर्स्ट फ्लोर पार नहीं कर पाया है। मैं भी जो एक बीटा टेस्टर था फर्स्ट फ्लोर के बॉस रूम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज कई प्लेयर्स एक साथ फर्स्ट फ्लोर के बॉस को हराने की कोशिश करने वाले हैं। फिर हमें बहुत से प्लेयर्स को एक साथ दिखाया जाता है। उनके सामने एक बंदा था, उसने कहा, मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरा नाम डियाबेल है। आज फर्स्ट फ्लोर पर मेरे ग्रुप ने बॉस रूम को ढूंढ लिया है। बॉस को हराकर और सेकेंड फ्लोर पर पहुंचकर हम सभी को दिखा पाएंगे कि इस गेम को क्लियर किया जा सकता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। फिर उसने आगे कहा, अब हमारे बैटल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। बैटल स्ट्रेटजी ऐसा है कि हम 6-6 की पार्टियों में बंट जाएंगे। ये सुनकर क्रीतो चौंक जाता है क्योंकि उसे ग्रुप में खेलना पसंद नहीं है, वह सोलो यानी अकेले खेलना पसंद करता है। देखते ही देखते सारे प्लेयर्स ने पार्टी बनाना शुरू कर दिया और क्रीतो अकेले रह गया। तभी उसे साइड में एक लड़की दिखाई देता है। वह झट से उसके पास जाकर पूछता है, तुम भी अकेली रह गई हो? तब वह लड़की कहती है, नहीं, बाकी लोग पहले से ही दोस्त लग रहे थे, इसलिए मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहती थी। तब क्रीतो कहता है, तो तुम भी एक सोलो प्लेयर हो, तो फिर मेरे साथ पार्टी बनाने के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वो लड़की क्रीतो को देखने लगती है। तब क्रीतो ने कहा, उसने कहा था कि बॉस से अकेले नहीं लड़ा जा सकता, सिर्फ बॉस फाइट तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। वो लड़की मान जाती है। फिर दोनों एक पार्टी बना लेते हैं। एक ही पार्टी में होने के कारण क्रीतो उस लड़की का नाम देख पा रहा था, तो इस लड़की का नाम आसुना है। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है, कीबो नाम है मेरा, कुछ ऐसा है जो मैं उन मनहूस लोगों से कहना चाहता था। मैं उन बीटा टेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कुछ लोग जरूर वो बीटा टेस्टर्स होंगे। तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी अब तक मौत हो चुकी है। जिस दिन ये घटिया गेम शुरू हुआ, बीटा टेस्टर गायब हो गए और हम सभी बिगिनर्स को छोड़ दिया जो इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन बीटा टेस्टर्स ने अच्छे हंटिंग ग्राउंड्स पर कब्जा कर लिया और सारे अच्छे ट्रेजर्स भी खुद के लिए कलेक्ट कर लिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके द्वारा जमा किए गए सभी मनीस और आइटम्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर क्रीतो सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे यहां से भाग जाना चाहिए? उसी समय एक प्लेयर कहता है, मेरा नाम आजिल है, कीबो, आप ये कहना चाहते हैं कि बीटा टेस्टर्स को माफी मांगकर और अपने सारे मनी और आइटम्स देकर कई मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हम नए प्लेयर्स की देखभाल नहीं की, आप यही कहना चाहते हैं ना? ये एक गाइड बुक है, मुझे विश्वास है कि आपके पास भी एक ऐसा ही सेम टू सेम है। ये किसी भी आइटम शॉप पर मिल जाएगा, वह भी फ्री में। इस पर कीबो कहता है कि हाँ, मेरे पास भी ऐसी एक गाइड बुक है, तो इसका क्या? तब आजिल कहते हैं, जिन लोगों ने ये गाइड बुक बनाई वे बीटा टेस्टर्स ही थे। इस किताब में साफ लिखा है कि किसी को भी अकेले फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सब इग्नोर करके वहाँ पर अकेले ही चले गए। अब हमें उन लोगों की मौत से सीखना चाहिए और मिलकर बॉस से लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के बाद कीबो चुपचाप बैठ जाता है। डियाबल आगे कहते हैं, अब मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। वह गाइड बुक जिसके बारे में आजिल बता रहा था वही सेम टू सेम बुक मेरे पास भी है और इसमें बॉस के बारे में जानकारी है। इस किताब के मुताबिक बॉस को इल्फांग कहा जाता है। उसके साथ बहुत से गोब्लिन्स भी है जो उसकी रक्षा करते हैं। बॉस के एक हाथ में कुल्हारी और दूसरे में सील्ड है। जब उसकी 4 HP बार लाल हो जाती है तो वह एक अलग वेपन का यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसे तलवार के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बॉस को हराने के बाद मिलने वाले आइटम्स के बारे में। पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्लेयर्स को पैसा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और EXP पॉइंट्स उस पार्टी को मिलेंगे जो बॉस को लास्ट हिट करेगा। और जो आइटम्स बॉस को हराने के बाद निकलेंगे वे सभी पहले कलेक्ट करने वाले प्लेयर्स के होंगे। हम कल सुबह 10 बजे निकलेंगे। उसी रात को सभी प्लेयर्स डिनर पार्टी कर रहे थे और आसुना अकेली एक कोने में बैठकर कुछ खा रही थी। तभी क्रीतो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? फिर वह उसके बगल में बैठ जाता है, लेकिन आसुना उससे बहुत दूर बैठ जाती है। फिर क्रीतो एक ब्रेड निकाल कर उस पर एक स्पेशल बटर लगाता है। फिर वह आसुना को भी वह बटर यूज करने के लिए कहता है। पहले तो आसुना हिचकिचा रही थी, मगर जब उसने क्रीतो को बटर के साथ ब्रेड खाते देखा तो उसने भी वह बटर अपने ब्रेड पर यूज किया।
आसुना को वह बटर बहुत पसंद आया, वह मजे से खा रही थी। ये देखकर किरीतो ने कहा, अगर तुम जानना चाहती हो कि यह बटर कहाँ से मिलेगा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब आसुना कहती है, मैं इस टाउन में इसलिए नहीं आई हूँ कि अच्छा खाना खा सकूं। मैं इस गेम से निकलना चाहती हूं, इसलिए मैं कल बॉस को कुछ भी करके हराऊंगी। इस पर किरीतो कहता है, मैं नहीं चाहता कि पार्टी का कोई मेंबर मरे, कम से कम खुद को खतरे में तो मत डालो, कल थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करना। इसके बाद अगली सुबह सभी प्लेयर्स फर्स्ट फ्लोर के लिए निकल गए। फिर वे सभी बॉस वाले फ्लोर पर पहुंच गए। डियाबल और बाकी सब उस पर हमला करने लगते हैं और कहते हैं, हमें कुछ भी करके इसे हराना होगा। एक पार्टी बॉस के साथ आमने सामने लड़ रहा था और बाकी ग्रुप्स पीछे से मदद कर रहे थे। जब लड़ने वाला पार्टी कमजोर पड़ने लगा तो वे पीछे हट गए और दूसरा पार्टी सामने चला गया। उसी दौरान आसुना बहुत तेज गति से जाती है और अपने स्पीड ब्लेड से सभी गोब्लिन्स को मार देती है। ये देखकर किरीतो ने सोचा, मुझे लगा कि ये लड़की एक बिगिनर है, लेकिन उसने जो हमला अभी अभी किया था मैं उसके ब्लेड को भी ठीक से नहीं देख सका। जैसा कि गाइड बुक में बताया गया था कि जब बॉस का एचपी बार रेड हो जाएगा तो वह वेपन स्विच करेगा और एक तलवार निकाल लेगा। ऐसा ही हुआ, बॉस ने अपने हथियार बदलने की कोशिश की। उसी दौरान डियाबल बॉस पर लास्ट हिट करने जाता है ताकि उसे ही सारे ईएक्सपी पॉइंट्स मिले, मगर बॉस एक तलवार निकालने के बजाय एक अलग वेपन का यूज करता है। ये देखकर किरीतो ने कहा, वह तलवार की जगह दूसरे हथियार का यूज कर रहा है, ये वीटा वर्जन से बहुत अलग है, रुक जाओ और जितना हो सके पीछे आ जाओ। डियाबल उसे इग्नोर करके बॉस की ओर नजदीक पहुंच जाता है। तभी बॉस अपने नए हथियार से उस पर हमला कर देता है और उसकी एचपी लगभग जीरो के पास पहुंचा देता है। तभी किरीतो उस पर रिवाइवल पोशन यूज करने की कोशिश करता है, मगर डियाबल उसे रोक कर कहता है, तुम भी एक बीटा प्लेयर थे ना, तुम जानते थे कि अगर हम किसी बॉस को लास्ट हिट करेंगे तो हमें ईएक्सपी के साथ साथ बोनस स्किल्स भी मिलेगा, प्लीज बॉस को हराने में सभी प्लेयर्स की मदद करो। तभी उसका इन गेम कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में भी नर्व गियर ने उसके ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। फिर किरीतो आसुना से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये कहते हुए उन दोनों ने एक साथ और एक ही स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए हमला किया। आसुना सामने से हमला कर रही थी और किरीतो पीछे से उसकी मदद कर रहा था, और फिर जब आसुना कमजोर हो गई तो उन्होंने स्विच कर लिया, लेकिन बॉस बहुत स्मार्ट था, उसने तुरंत अपनी वेपन का यूज किया और उन्हें नीचे गिरा दिया। तभी बाकी प्लेयर्स भी बॉस पर हमला करने लगते हैं। जब किरीतो ने गेम खेलना शुरू किया था तो वह बस खुद के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसने कभी भी अपनी स्किल्स नहीं दिखाई या बॉस की लड़ाई में किसी की मदद नहीं की। मगर ये देखने के बाद कि कैसे बाकी प्लेयर्स बॉस को हराने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, उसने अब कुछ भी नहीं छिपाया और अपनी रियल स्किल्स का यूज करना शुरू कर दिया। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। फिर वे सभी मिलकर बॉस को हरा देते हैं। जैसा कि किरीतो ने बॉस पर लास्ट हिट किया था, इसलिए उसे एक बोनस आइटम मिला और वह था एक ब्लैक मैजिक कोट। तभी गुस्से में कीबो किरीतो से कहता है, तुमने डियाबल को मरने क्यों दिया, तुम्हें बॉस के सभी चालों के बारे में पता था, अगर तुम जो पहले से जानते थे उसे हमें पहले ही बता देते तो वह नहीं मरता। बाकी प्लेयर्स कहने लगते हैं, ये पक्का एक बीटा टेस्टर होगा, इसलिए वो मॉन्स्टर्स की सभी चालों के बारे में जानता था और हमारे बीच और भी बीटा टेस्टर्स होंगे। सभी प्लेयर्स एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगते हैं। तभी किरीतो हंसने लगता है, मुझे उन मामूली बीटा टेस्टर्स से कंपेयर मत करो, मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन के 1000 बीटा टेस्टर थे और उनमें से कोई भी किसी भी लेवल को पार तक नहीं कर पाया, यहाँ तक कि तुम लोग भी उनसे बेहतर हो, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। बीटा टेस्टिंग के दौरान मैं उन फ्लोर्स तक पहुँचा हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। मैं बॉस के अटैक पैटर्न को जानता था क्योंकि मैंने इससे ऊपर की फ्लोर्स पर इससे भी पावरफुल बॉसेस से लड़ाई की थी, और मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ जिसके बारे में तुम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। ये सुनने के बाद कीबो और बाकी प्लेयर्स कहने लगते हैं, तुम एक चीटर हो। उसके बाद किरीतो मुस्कुराते हुए वह ब्लैक मैजिक कोट पहनता है और नेक्स्ट फ्लोर की ओर जाने लगता है। किरीतो ने वह सारी बातें इसलिए कही ताकि प्लेयर्स आपस में ना लड़े और एक दूसरे पे शक करे। अब जब वह सबके सामने एक चीटर है तो सभी प्लेयर्स उसके बारे में बुरा सोचेंगे और मिलकर काम करेंगे। तभी आसुना किरीतो को रोकती है और पूछती है, बैटल के दौरान तुमने मेरा नाम पुकारा था, मैंने तुम्हें कभी अपना नाम नहीं बताया। तब किरीतो उसे बताता है, तुम यहाँ एक एचपी बार देख सकती हो जो तुम्हारा नहीं है, है ना, इसके आगे कुछ लिखा होना चाहिए। ये सुनकर आसुना किरीतो का एचपी बार देखती है और कहती है, तो तुम्हारा नाम किरीतो है। तब किरीतो ने कहा, तुम स्ट्रोंग बन सकती हो, इसलिए अगर कभी कोई भरोसेमंद तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाए तो उसे मना मत करना, मैं एक सोलो प्लेयर था और अब भी वैसा ही रहूंगा। ये कहते हुए किरीतो आसुना को अपने पार्टी से निकाल देता है और अगले फ्लोर पर चला जाता है।